तस्वीरां जलंधर दे शीतल नगर नेड़े एक सब्जी व्यापारी दे घर तो ने जिथे हथियारबंद लुटेरिया ने 12 लाख रुपए की नकदी ते 15 लाख रुपए दे गहने लुटे ने। चोरी पिस्तौल दे दम ते कीती गई है। घटना समय परिवार घर च मौजूद सी। घर दी महिला दे दसे मुताबक समा सवा कु 6 बजे दा सी। दरवाजा नॉक होया, जद डोर खोल लिया ता नकाब पोशा ने गन कन पट्टी ते रख महिला नु धमकाउणा शुरू करता। बंदूक दी नोक ते पूरे परिवार नु बंधक बना लिया, जिस तो बाद मुलजमा ने घर के अंदरों करीब 12 लाख रुपए की नकदी ते करीब 15 लाख रुपए के गहने चोरी कर ले। शिकायत पुलिस को पहुंच गई है ते मामले की जांच हो रही है। मेरा नाम पुष्पा कुमारी है और 6:15 बजे आए वो, और वो आए फटाफट दरवाजा ऐसे कुंडी बजाया और मैं सोची ये होंगे, इनके दादा होंगे। मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोला, बस फटाफट अंदर घुस गए और बंदूक मेरे ऊपर रख के बोले सामान दे। जब बच्चे कंबल में सोए थे, वो कंबल देखे कि बच्चे भी सोए हैं, तो मेरे ऊपर गन हटा के और बच्चे के ऊपर गन रख दिए उन्होंने। फिर वो बोले सा सामान दे जल्दी, तेरा घर वाला तेरा भाई बहुत पैसे कमाता है, सामान दे जल्दी तेरा, बस इतना बोल के फिर उस कमरे में चले गए। वो उस कमरे में जाके बक्सा था तोड़ रहे थे, वो नहीं टूटा। फिर इस कमरे में लाए वो बक्सा को, फिर इसमें नहीं टूटा तो फटाफट लेके भाग गए। वो बाइक मोटरसाइकिल से थे, वो कद में था, एक थोड़ा लंबा था, पतला सा था। ये 6:15 बजे आए और 10 मिनट में चले गए, 6:30 बजे तक चले गए। कैश तो 11-12 लाख कैश तो उन के पास था और गहने थे, सारा सामान मेरा गहना शादी में सारा चढ़ा हुआ था, वो सारे गहने थे। गहने तो वही 9-10 लाख का तो होगा ही, पूरा शादी में गहना चढ़ा था। इन्होंने चोरी सानू रिपोर्ट की है। अच्छा जी। तो भन्न तोड़ कोई नहीं हुई, कहते चोर आए तो सानू डरा के तो अंदरों साडा समान सोना वगैरह लै गए। ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੰਦਕ ਬਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਲੁੱਟ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਏਰੀਆ? 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੀਤਲ ਨਗਰ। ਸ਼ੀਤਲ ਨਗਰ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੀ ਚੋਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ? ਇਹ ਚੋਰੀ ਹਲੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਗਏ, ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਹਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਰ? ਇਹ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, 6:30 ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਹਲੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ।